हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज मैं यहाँ पर टेरेस पर आई तो कुछ बारिश का मौसम सा हो रहा है। देखिए, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा जो वेदर है वो मार्च में जो है वो कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आज हमारे अजमेर में ये जो वेदर है, थोड़ी सी बारिश भी हो रही है और थंडर स्टॉर्म भी है थोड़ा। तो और कुछ मेरे गार्डन के अंदर जो है वो न्यू फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज का वीडियो जो है मैं आपको अजमेर का वेदर भी दिखाती हूँ और कुछ जो न्यू फ्लावर ब्लूम हुए हैं वो भी मैं आपको जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये देखिएगा, ये मेरा फाउंटेन है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, ये मैंने खुद ने ही बनाया है। एक आप मार्केट से लेकर आएँ फाउंटेन बना बनाया, और एक आप खुद फाउंटेन बनाएं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसके बनाने का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो जो एक गार्डनर है वो ही जान सकता है। अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ हार्ट शेप। तो देखिएगा, ये जो है ये मैंने जैसे अपने गार्डन में यहीं बनवाया है और यहीं पर ऑर्डर देके मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहती थी मैंने बनवाया है। और मैं इसके लिए जो है ये टू जो है वो लेकर आई प्लांट, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन ये लेकर आई उसके बाद ही ये ड्राई हो गया, मैंने इसके आगे के तो सब वो काट दिए इस टाइम। अब देखिए, इसमें जो है नई जान आती है नहीं आती है जैसा भी है, और ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए यहाँ तक इसे बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है 1 ईयर के अंदर ये जो है पूरा हार्ट शेप को जो है एक्वायर कर लेगा, तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा उसके बाद। तो ये देखिएगा, नेक्स्ट जो है देखिएगा ये सैंड पेपर वाइन के फ्लावर आ रहे हैं। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया था कि इसको कैसे ग्रो करना है, इसकी कैसे आपको देखभाल करनी है, वो देखिएगा। ये सैंड पेपर वाइन के कितने सुंदर फ्लावर हैं, लाइट पर्पल एंड डार्क पर्पल। नेक्स्ट देखिएगा ये फ्लेम वाइन, फ्लेम वाइन में भी देखिए इस समय कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं फ्लेम के जैसे। ये देखिएगा, मैं आपको अच्छे से व्यू दिखाती हूँ, ये दिखने में बिल्कुल फ्लेम के जैसे लगते हैं। देखिए तो ये कितना सुंदर लग रहे हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट वाइन में भी फ्लावर आए थे अभी, तो देखिए ये फेब में आए थे, तो 1 मंथ से ये फ्लावर हैं, अब इनके जाने का टाइम है। ये देखिए, मैंने ब्रह्म कमल लगाया है और इसमें ये देखिए न्यू बर्ड जो है वो आपको दिख रही होगी, न्यू बर्ड्स इसमें आ रही हैं। ये देखिए नेक्स्ट ये टिकोमा पर्पल वाला, इसमें देखिए बहुत ब्लूमिंग हो रही है, खूब सारी बर्ड्स हैं इसके अंदर, फ्लावर आ रहे हैं इसमें। और ये जो है ये मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर हैं, ये थोड़ा बहुत ऊँचे तक चढ़ गई है तो मैं ढंग से आपको दिखा नहीं पा रही मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर। ये तो अपने आप जैसे मेरे गार्डन में तो मॉर्निंग ग्लोरी, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मॉर्निंग ग्लोरी के जो वाइन है ये अपने आप ही सीड्स गिर जाते हैं, अपने आप इसके बढ़ जाते हैं, तो जगह जगह मॉर्निंग ग्लोरी के जो वाइन है वो अपने आप चढ़ती है, मैं उसको हटाती भी नहीं हूँ, अच्छे लगता है मुझे मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर। जितनी भी मेरे गार्डन में वाइन्स थी मैंने सब देखिए एक बड़े पॉट में सारी देखिए वाइन एक जगह शिफ्ट कर दी, कि बड़े पॉट में उनके बढ़ने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। ये भी मॉर्निंग ग्लोरी है, ये छोटे वाले हैं, ये पर्पल कलर के, मेरे को रेड कलर के मॉर्निंग ग्लोरी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी तक मेरे को वो अवेलेबल कहीं हुए नहीं, तो मैं अपने गार्डन में ज़रूर लगाऊंगी। ये वाटर कैबेज मैंने यहाँ पे टब के अंदर वाटर फिल करके यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जिरेनियम के फ्लावर, और इस तरफ देखिएगा ये मैंने अपना सकुलेंट गार्डन इधर पूरा शिफ्ट कर लिया है जिससे इनको ज़्यादा धूप भी नहीं लगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सकुलेंट प्लांट जो है सारे अरेंज कर दिए हैं। वो ये वाला जो है वो क्रिसमस कैक्टस है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, यहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा था मुझे, पर ये मेरे जितने भी सकुलेंट्स थे देखिए मैंने उनको सबको अरेंज कर दिया है यहाँ पर। ये लकी वाला सकुलेंट, ये देखिए ये पीस लिली, ये एंथूरियम, ये बेबी सन रोज, मेरे सारे सकुलेंट जो हैं, ये रबर प्लांट है, इंग्लिश आईवी है, ये मैंने सब इस तरफ अरेंज कर दिए हैं।
ये जीजी प्लांट की कटिंग मैं ग्रो कर रही हूँ इस समय। ये जिगजैग डेविल्स बैकबोन, तो ये मेरा सकुलेंट एरिया हो गया, क्योंकि सकुलेंट मैं हर जगह नहीं रख सकती अपने गार्डन में। नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी मैंने गार्डन में ये अरेंजमेंट न्यू किया है। यहाँ मैंने सारे पॉट्स हटा दिए और मेरा डेकोरेटिव एरिया हो गया ये, जहाँ क्रिएटिव कॉर्नर, जहाँ मैं कुछ भी जो भी नया क्रिएटिव रखती हूँ वो यहाँ अरेंज कर देती हूँ, या मेरे पास जो भी छोटे छोटे ऐसे डेकोरेटिव पीस आते हैं वो मैं यहाँ अरेंज कर देती हूँ इस तरीके से इस एरिया में। ये देखिए, देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बादल कितनी तेज गड़गड़ाहट हो रही है उनमें। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इस तरफ ये मेरा सकुलेंट कुछ मैंने इस एरिया में भी रखे हुए हैं। देखिए ये देखिए, कुछ सकुलेंट इस एरिया में भी हैं। और ये हावर्थिया के फ्लावर आ रहे हैं, देखिएगा हावर्थिया के फ्लावर, ये भी कम देखने को मिलते हैं सकुलेंट प्लांट के। ये मैं लेकर आई थी, देखिए हैंगिंग बास्केट, इसमें ये पलाश का प्लांट है। अब मैं इसको जो है किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और इस तरफ भी कुछ सकुलेंट हैं, ये पेंसिल कैक्टस है, ये जेबरा वाला सकुलेंट है। देखिए इसमें भी कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, सकुलेंट के फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि कभी कभी आते हैं। ये एडिनियम में फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। ये मैं कुछ न्यू रोज़ेस लेकर आई थी जिनको मैं पॉट में शिफ्ट करूँगी, इनका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैं लेकर आई थी, वाइट पिंक शेड मिक्स था इसमें। ये देखिए मैंने कुछ हैंगिंग जो है घर के जो बंधनवार होती है वो मैंने यहाँ लगा दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गार्डन डेकोरेशन के बाद भी बहुत सुंदर लगता है, नेचुरल भी इतने फ्लावर्स होते हैं उसमें। देखिए कितने सारे फ्लावर हैं कलेंचो में हुए हैं ब्लूम, ये सब मेरे लास्ट 2 ईयर्स के कलेंचो हैं और इनकी मैंने खूब देखभाल करी तो इसमें बहुत ब्लूमिंग हुई है इस बार। अब इनके फ्लावर धीरे धीरे जा रहे हैं। ये कोलियस, और ये देखिए पेंसिटिया के कितने सुंदर कलर के फ्लावर हैं। अब मैं आपको यहाँ से मेरे गार्डन का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिएगा, पहले ये ऐसा अरेंज नहीं था, मैंने अभी पॉट्स ये सारे स्टैंड बनवाए हैं। एक स्टैंड पे अप्रॉक्स जो है 17 to 18 प्लांट जो हैं वो आ जाते हैं। और देखिए अपने टेरेस के ऊपर कोई भी अपन पॉट नहीं रखते हैं तो टेरेस को नुकसान भी कम होता है। ये मैंने अभी कटिंग में ग्रो कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लौकी ग्रो की है, यहाँ पे तरबूज चल रहा है इस टाइम, और खीरे हैं और टमाटर, अब इनको मुझे सेपरेट करना है थोड़ा। और ये भिंडी के प्लांट हैं, ये जो है थोड़ा बीच में एक वो वाटर कैबेज है, अदरवाइज़ ये जो है लोटस हैं। देखिएगा एमरस लिली कितना सुंदर ब्लूम हुआ है उसमें, और मैंने सारे प्लांट जो हैं इस तरीके से अरेंज कर दिए। देखिए ये कितने सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर हैं, लाइटिंग भी हो रही है। इस तरफ भी देखिएगा ये एमरस लिली, और ये मैंने कटिंग से लगाया था चंपा, देखिए कितने अच्छे से चल रहा है ये। ये देखिएगा इसमें भी फ्लावर्स आ गए हैं, और ये जो है अभी इसमें बड्स आई हुई हैं, जूही का प्लांट है वो, और इसमें ब्लूमिंग हुई है देखिए। और ये मेरे विंटर के प्लांट हैं जो अप्रॉक्स अब विंटर फ्लावर जा रहे हैं, तो अभी मैं इनको हटा के इसमें समर के प्लांट लगाऊंगी। ये अपराजिता, मेरे पास वाइट और पर्पल दोनों अपराजिता है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर शंख के जैसे। और एक्सोरा, ये मैंने सारे जितने मेरे रोज़ेज़ हैं वो मैंने इस कॉर्नर में अरेंज किए हैं, और अभी मैंने इनकी कटिंग करी है तो अभी इसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है, केवल इसी में ब्लूमिंग हुई है। देखिए वाइट रोज़ेज़ हैं इसमें, तो अभी मैंने कटिंग करी है इसलिए इसमें नहीं मिलेगा। देखिए किंग ऑफ थ्रोन कितना सुंदर लग रहा है, ऑरेंज कलर वाला है ये, और ये रेड कलर वाला है किंग ऑफ थ्रोन। ये फॉल्स हैदर,
इसमें भी पूरी, इसमें तो 20 वो 12 मंथ पूरा ब्लूमिंग होती है, फुल ईयर ब्लूमिंग है इसमें तो। और कुछ प्लांट मैंने इस तरफ लगाए हुए हैं, अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है तो देखिए ग्रीन नेट भी हट गया है, मुझे इसको दोबारा लगाना होगा। यहाँ इस तरफ जो है वो मोगरा प्लांट है, इसमें ब्लूमिंग हो रही है, बहुत खुशबू आती है इसमें भी। तो कुछ प्लांट मैंने देखिए इस तरफ रखे हुए हैं। ये दूसरा वाला जो है डिफरेंट टाइप का जूही प्लांट है, ये मैंने इस तरफ रखे हुए हैं। ये मैंने तुरई की बेल लगाई हुई है। और ये देखिए मैंने रोज़ेस ऐसे वॉल पेंटिंग थोड़ी सी करी है जिससे मेरा गार्डन सुंदर लगे। ये मैंने सनफ्लावर बनाए हैं। और ये वाली पेंटिंग देखिएगा, ये भी मेरा क्रिएटिव कॉर्नर है, तो जिससे गार्डन सुंदर लगे। तो मैंने कुछ प्लांट अरेंज करके और देखिए इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है मैंने। और उसके बैक में मैंने ये पेंटिंग बनाई है। यहाँ मेरा चीकू का प्लांट है, जहाँ पर देखिए कितने सारे चीकू आए हुए हैं इस टाइम। देखिएगा इस समय अजमेर का वेदर कैसा है, बहुत सुंदर वेदर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और आपको रेन ड्रॉप दिख रही होंगी। तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। वेदर अच्छा है, वैसे मार्च में बहुत कम बारिश होते हुए हमने देखी है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है अजमेर में तो। और ये 2-3 डेज से हो रही है अप्रॉक्स। तो जितने भी प्लांट्स लवर हैं उनके लिए हैप्पी रेनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।